आईआईसी पटरंगा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जमाल अहमद। आज की क्लास में हम समय के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओ क्लाक, एएम और पीएम क्या होता है। हम बचपन से समय के बारे में देखते आ रहे हैं कि 9 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock या 9 AM, 10 PM इस तरह से देखते आ रहे हैं, बट हम में से बहुत सारे लोग अभी भी क्लियर नहीं है कि ओ क्लाक का मतलब क्या होता है, एएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। ओ क्लाक मीन्स होता है ऑफ द क्लाक, ऑफ द क्लाक। ओ मीन्स होता है ऑफ और यहाँ जो पोस्ट्रॉफी लगा है इट मीन्स द, यानी घड़ी के मुताबिक, ऑफ द क्लाक यानी घड़ी के अनुसार, घड़ी में। अगर ये कहा जाए कि 10 o'clock, इट मीन्स कि घड़ी में 10 बजा है या घड़ी के मुताबिक 10 बज रहे हैं, ये पूरा मतलब निकलता है। ठीक है, तो ओ क्लाक मीन्स ऑफ द क्लाक। नेक्स्ट हमारा एएम। देखिए एएम मीन्स होता है एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। ये लैटिन वर्ब शब्द है, ये भाषा इसकी जो है वो लैटिन है। ठीक है, एंटी मेरिडियम का मतलब होता है कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय। पीएम, पीएम मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियम, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, इसको पीएम कहा जाता है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब 12 बज जाए दिन में तो उसको क्या कहें, पीएम कहें या एएम कहें। देखिए जैसे ही 12 बजता है तो 12 के बाद फौरन सेकंड शुरू हो जाता है, 12 बजते ही 1 सेकंड, 2 सेकंड शुरू हो जाता है, तो आप पीएम कह सकते हैं उसको दिन में अगर 12 बजता है। नहीं तो आप नून कह दीजिए, 12 noon, और नहीं तो पीएम भी लगा सकते हैं। इसी तरह से रात में जब 12 बजता है तो उसको 12 midnight कहा जाता है, 12 midnight या 12 AM भी कह सकते हैं आप। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कितना बजा है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। 9 बजा है, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। 9:15 बजा है, इट इज 9:15। देखिए क्वार्टर का मतलब होता है सवा, क्वार्टर पास्ट का मतलब सवा, क्वार्टर मीन्स एक चौथाई और पास्ट मतलब बीत चुका, एक चौथाई बीत चुका यानी सवा हो गया, 9 से सवा हो गया यानी 9 से बढ़ गया है। ठीक है, यानी 9:15 हो रहा है, तो इंग्लिश में कहा जाएगा इट इज 9:15। ओ क्लाक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह दीजिए इट इज़ 9:15। साढ़े नौ बजा है, इट इज़ 9:30। देखिए हाफ, आधा, पास्ट गुजर चुका, आधा गुजर चुका यानी आधा घंटा गुजर चुका है, 9 बजकर आधा घंटा गुजर चुका है तो 9:30 बजा है, इट इज़ 9:30। पौने नौ बजा है, इट इज 9:15। क्वार्टर टू यानी 15 मिनट रह गए हैं, क्वार्टर एक चौथाई रह गया है, टू बाकी है, एक चौथाई बाकी है, नौ में 15 मिनट बाकी है, एक चौथाई बाकी है, इट इज 9:15। नौ बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 minutes to 9, इट इज़ 5 minutes to 9। अगर हम मिनट्स ना बोलें, इट इज़ 5 to 9 कह दें तब भी ठीक है, इट इज़ 5 to 9। नौ बजकर 10 मिनट हुआ है, इट इज़ 9:10। देखिए 9:10 यानी 10 गुजर चुका है, 10 मिनट गुजर चुका है 9 का, यानी 9:10 गुजर चुका है, इट इज़ 9:10।
या आप कह दें इट इज़ 9:10, इट इज़ 9:10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आपने देखा, आप इस तरह से आप 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो बोलना चाहें ये आप इसी के हिसाब से अपना चेंज करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम की चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी वीडियोज़। अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट्स लिखें, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। इस तरह की वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे और आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स।